किन मुद्दों पर इस बार विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है? हमारी पार्टी मुद्दा ये है कि विकास हो, सबका विकास हो, अगड़े पिछड़े दलित शोषित उपेक्षित वंचित कोई बचेगा नहीं। और पहले ये आरोप लगता था कि एक जातवादी की पार्टी है, वास्तविकता है इसमें हर समाज के लोग समाहित हैं। संगठन की एक लिस्ट निकली है प्रदेश की कार्य समिति की जो है, उसमें सभी जात बिरादरी के लोगों का सामंजस्य है। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि सबका हित हो, सबका भला हो, सबकी साझेदारी हो, सबकी भागीदारी हो। एक विपक्षी काफी जो है बात कर रहे हैं कि आप लोग जिन्ना का चर्चा करके क्या हासिल कर लेंगे? क्या करके जिन्ना का चर्चा एक बार जिन्ना का हासिल करना, ये तो अलग बात हो, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे जवाब में। हम तो बहुत पुराने तो है नहीं, जिन्ना के जमाने के आदमी तो है ना। मौजूदा समय जो है वो हमसे सवाल पूछिए, आप बताते हैं आपको। जी हाँ, महासचिव हूँ। हाँ, क्या लगता है कि कब तक आपकी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो कब तक फाइनल हो जाएगी? ये तो नेताजी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार, उनसे आप पूछिए ना भाई, हमसे क्या पूछते हैं, हम क्या बताएंगे उसमें। उनका जो निर्देश हो, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है। फर्क इतना है कि एक सीढ़ी हम आगे हैं बस, और एक एक सीढ़ी पीछे है हमारे जिला अध्यक्ष। मैं जिला अध्यक्ष भी था, मैं कैबिनेट का मंत्री भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे ना उनकी पार्लियामेंट। क्या लगता है सर, इस बार जो है मुद्दा जो है चुनाव में, अब ये चुनाव में हावी देगा? सुनिए, जब जो है देश में जो है मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कमंडल लेके चले थे ये लोग, देश के प्रधानमंत्री 27 लोगों की जो है कह रहे हैं कि पिछड़ी जात के लोग मंत्री बनाए गए। लेकिन क्या वजह है कि जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? जाति जनगणना करा लेना चाहिए। अनुसूचित जात के संवैधानिक व्यवस्था है कि उसका जो 22% रिजर्वेशन है उसी की जनगणना होती है हर 10 साल पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग क्यों घबरा रहे हैं? जाति जनगणना करा ले भाई, सही चीज पता चल जाएगी। जातियां बनी है तो उनकी गणना होनी चाहिए ना। पेड़ रूख की जनगणना हो रही, जानवर की जनगणना हो रही, इंसान की जनगणना क्यों नहीं कराते? अगर घबरा रहे हैं पिछड़ी जात से तो अगली जात की भी जनगणना करा ले, तो अपने मालूम हो जाए कितनी जनगणना है। ये बिंद बहुल क्षेत्र है, आप बिंद बहुल क्षेत्र मझुआ में आए हैं, यहाँ पिछले साल भर से डॉक्टर भी काफी प्रयास कर रहे हैं, क्या ये उम्मीदवार आज घोषित होंगे? अरे ये कैसे होंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे, हम घोषित करने आए यहाँ प्रत्याशी? तो भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अभी बहुत प्रोसेस है, अभी तो चुनाव चल रहा है ना, प्रक्रिया चल रही है, ये भी एप्लीकेंट है। विकास, आप जितने विकास जो है सपा गवर्नमेंट में हुए उसका मूल्यांकन कर रही, इनका जो पता कर लीजिए, ये खाली नाम बदल रहे हैं। जोगी महाराज तो खाली नाम बदल रहे हैं भाई, काम नहीं दिखा रहे हैं कुछ। महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, भ्रष्टाचार इतना मचा हुआ है, हर लोग त्रस्त है। नौजवान कहीं नौकरी नहीं पा रहा है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, सब लोग उपेक्षित हैं, भुखमंगरी के कगार पे चले गए। कोरोना पीरियड में इतने लोग मर गए, तमाम मीडिया वालों को भी ये लोग लथाड़े हैं कि कह रहे थे नहीं ऑक्सीजन कमी नहीं हुई है, ऑक्सीजन बहुत कमी हुई। और किसान मुद्दा, किसानों का मुद्दा जो इतना तगड़ा मुद्दा चल रहा है, 10 महीने से हो गए किसान बढ़ रहे हैं, पूरे देश में भारतवर्ष में किसान सबसे ज्यादा हैं। अगर अन्न पैदा करेंगे तो शहर वाले क्या खाएंगे? मोदी जी क्या खाएंगे, बाहर से मंगाएंगे रन? एक जमाना था जब बाहर से अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं आता था, हरित क्रांति आई हमारे देश में, दूध की नदियां बह रही हैं, ये किसकी देन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। अरे महंगाई तो बाहर दे रही, कमर तोड़ गई है सबकी, चाहे उसमें किसी जात बिरादरी का आदमी हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या उनके नहीं हो रहा है? अब मैं, मुझे याद है मैं 91 में विधायक था, इसके बाद उस समय 5 रुपया जो है लीटर डीजल था, इसमें कितने में आ रहा है? 50 रुपया में 10 लीटर डीजल भरा के टहलता था, अब 1000 भराने के बाद भी दुर्गत हो रही है। ये बड़े लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। गठबंधन की बात चल रही है, गठबंधन हमारी नेता तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा, साफ बात।